क्या आप स्नैक्स की नई अनोखी और आसान सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इतनी टेम्पटिंग सी दिखने वाली 5-स्टार होटल जैसी स्नैक्स की रेसिपी बनी है सिर्फ 1 कप बेसन से, और उससे भी अच्छी बात है कि इस पूरी रेसिपी को बनाने में लगा है सिर्फ 2 चम्मच तेल। ये देखिए, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चाहे बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग, सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और सबसे ज़्यादा पसंद आएगी आपको क्योंकि आप इसको पहले से तैयार करके रख सकते हैं। अगर शाम के लिए बना रहे हैं तो सुबह इसको बना के रख सकते हैं, और सुबह के लिए बना रहे हैं तो शाम को इसको बना के आप रख सकते हैं और सुबह फटाफट से बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है, अगर आपने इसको 1 बार भी बना लिया ना तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसको आप बनाकर ज़रूर खाएंगे। तो चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक बड़ा बर्तन या बाउल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। बेसन मोटा हो या बारीक कोई भी चलेगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी आप चटपटा खाते हैं उतना कम ज़्यादा मिर्ची आप डाल सकते हैं। फिर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे, कोई भी खाने वाला तेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब 3 बड़े चम्मच हम डाल देंगे सूजी, सूजी या रवा कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खट्टा दही, अगर दही नहीं है तो 1 कप आप छाछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम बैटर बना लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि बेसन में लम्स ना आए। पहले थोड़ा कम डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके मिक्स करते जाएंगे, और एकदम पतली कंसिस्टेंसी इसकी हमें लानी है। जैसे ये डाल दिया हमने, अच्छे से इसके सारे लम्स ख़त्म हो गए। अब थोड़ा और डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा और डालेंगे, और एकदम पतली कंसिस्टेंसी हमें, जैसे चीले की कंसिस्टेंसी होती है ना, उस तरह का बैटर हमको बना के रेडी करना है। टोटल मैंने 300 ml पानी यहाँ पर डाला है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी लाने के लिए, और इसको करीब 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसको अच्छे से फेंटना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारी जो बेसन पट्टी है वो अंदर से एकदम फ्लफ़ी बने। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें लानी है। ये देखिए, मैं इसको बनाती हूँ खूब सारी सब्जियाँ डाल के। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पालक, पालक को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। अब इसको 1 कटोरी पालक मैंने इसको बारीक बारीक कट कर ली है। अब और थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक थाली लेंगे, थाली में 1/2 चम्मच जितना तेल डालेंगे हम, और अच्छे से इसको थाली को हम ग्रीस कर लेंगे क्योंकि बाद में ना हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ये सब काम जो है पहले से करके रख लेने हैं। तो एक थाली हम ग्रीस करके रख। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग और अजवाइन। इसको थोड़ा सा भूनने देंगे। अब यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने पहले पालक डाल दिया, जबकि प्याज पहले डालना था थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड कर दीजिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पालक बाहर निकाला और उतने ही तेल में मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया और उसको अच्छे से भून लिया। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, और आप नहीं खाते हैं तो आप दोनों को ही अवॉइड कर सकते हैं। तो अब प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हमने जो पालक निकाल के रखी थी बेचारी आधी पकी हुई, उसको हम डाल देते हैं, और इसको हम ढककर करीब 1 से 1.5 मिनट हमें इसको पकाना है। पालक बहुत जल्दी पक जाती है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं, पर ढकना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी पालक जो है वो अच्छे से पक जाए। पालक हमारी पक चुकी है। अब जो बेसन का घोल हमने बना के तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। घोल डालने से पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, और इसको डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से हम चलाएंगे, और कंटिन्यूसली हमें इसको चलाना है, बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। करीब 1 मिनट के बाद एकदम से ये थिक हो जाएगा, और इसमें लम्स अगर बीच बीच में जैसे इस स्टेज पे लम्स पड़ते हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रेसिपी ख़राब हो गई या कुछ। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा आपके जो गुठले हैं, लम्स हैं, वो सारे एकदम से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो डोंट वरी, मिलाते जाएँ, अच्छे से मिक्स करते जाएँ, और किनारियाँ जितनी हो सके छुड़ाते जाएँ और अच्छे से मिक्स कर लें इसको। जैसे 1 से 1.5 मिनट होगा ये अच्छे से थिक हो जाएगा। चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए मैंने इसको सरसी से पकड़ लिया है। अच्छे से पकड़ के इसको चलाते रहें। 1-2 मिनट के बाद ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि ये एक दूसरे के साथ लिपटने लगेगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो बस ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2 ही मिनट लगे मुझे पूरा इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी आने में। अब जो थाली हमने ग्रीस करके रखी थी उसके ऊपर इसको हम फैला देंगे। इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको, और किसी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसको पहले
में से निकाल के अलग रख लेते हैं। और स्पैचुला पे तेल लगा लीजिए थोड़ा सा, मैंने भी यहाँ पे चम्मच से फैला रही थी तो चम्मच के पीछे मैंने इस पे तेल लगा लिया, और ताकि ये क्या है इससे चम्मच से चिपकेगा नहीं और आसानी से फैल जाएगा। वैसे वीडियो के लिए मैंने चम्मच में लगाया था, बाकी मैं क्या करती हूँ पता है, इस तरह से हाथ में तेल लगाती हूँ, और हाथ तेल लगाने से क्या हाथ जलते नहीं है और ये आसानी से एकदम थाली में फैल जाता है। ये देखिए इस तरह से आप हाथ से फैला लीजिए या स्पैचुला से, जैसे भी अगर आप पहली बार बना रहे हैं आपको गर्म लग सकता है तो आप प्लीज़ इसको स्पैचुला से या चम्मच से ही या किसी कटोरी के पीछे आप तेल लगा लीजिए और इसको आराम से इसको फैला दीजिए। ये देखिए अब ये फैल चुका है, करीब 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर इसको आने देंगे। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इजीली आप इसको टच कर सकते हैं। अब इसमें हम लगा देते हैं कट, जैसे भी पीसेस आप चाहें आप इसमें कट लगा दीजिए, उस तरह से पीसेस निकल जाएंगे आपके। ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे तो ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए देखने में कितनी टैम्पटिंग लग रही है ये, और इतनी स्वादिष्ट लगेगी अगर आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो बार बार आपका मन करेगा कि आप इसको बनाएं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है, थाली भी छोड़ रही है। मैंने क्या किया है इस सारे निकाल के अलग रख लिए हैं। अब मैं एक पैन गरम कर रही हूँ, अब उसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच तेल, थोड़ी सी राई डाल देंगे इसके अंदर, चटकने देंगे हम, कड़ी पत्ता भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, और करीब 1 से 1.5 चम्मच हम डाल देंगे वाइट तिल, और इसको थोड़ा सा भूनने देंगे, और जो हमने बेसन पट्टी बनाई है उसको इसके ऊपर फैला देंगे, और मीडियम गैस पर इसको हम हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक एक तरफ से सेक लेंगे। फिर जब एक तरफ से सिक जाएगा ना ये, तो हम इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो दोनों तरफ ये बहुत अच्छे से जब क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको हम चटनी के साथ या सॉस के साथ, या सबसे बेस्ट है इसका जो टेस्ट आता है ना वो आता है दही के साथ, आप इसको दही के साथ, नमकीन दही के साथ आप इसको सर्व कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत अमेजिंग लगता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।